जो कि दोनों कनेक्टेड ही है। और इसमें पहले क्या होता है कि बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज चलता था, तो अभी क्या है कि खाली हो गया था, वो लोग चले गए, उनका कॉलेज बन गया था। तो अभी जहानाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कि उनका कॉलेज नहीं है, तो अभी यहीं पे चलता है। हमारे कॉलेज का एंट्री थ्री गेट से है, तो आप लोग तीन गेट से एंट्री होता है। तो वन दैनिक जागरण पेपर जो कि यहाँ प्रिंट होता है पटना में, तो हमारे कॉलेज के जस्ट पीछे ही है। ये वाटरफॉल आप लोग को मिलेगा देखने को। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो अभी तो आप लोगों को कुछ दिखाएंगे आज, तो अभी तैयार हो गए हैं और जा रहे हैं कॉलेज। तो अभी टाइम 9 बज रहा है, तो चलिए आज पूरा फुल रिव्यू करेंगे हम अपने कॉलेज का, जो कि मेरा कॉलेज आप लोग जानते हैं कि न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है। तो चलिए चलते हैं। तो ये हमारे कॉलेज का मेन गेट है जो कि फर्स्ट गेट है, इससे हम लोग एंट्री करते हैं। चलिए एंट्री करते हैं, आप लोग को खूब सुंदर वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को बायोमेट्रिक लगाना पड़ेगा जो कि अटेंडेंस है, तो चलिए लगा। और अभी ये रिसेंटली न्यू क्लासरूम बना हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है और बहुत ही सुंदर देखने में लग रहा है। और जो भी जूनियर है हमारे, वो इसी क्लासरूम में पढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर जो भी बच्चे हैं, और इसी में पढ़ाई हो रहा है। ये ड्राइंग वाला क्लासरूम है और इसी में हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर जब थे, तो जो भी सिविल के बच्चे हैं वो ड्राइंग इसी में बनाते हैं और हम लोग भी बनाए थे। और ये स्टडी क्लासरूम है जो कि हम लोग इसी में पढ़ाई करते हैं। फिजिक्स लैब है जो कि प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छा से कराया जाता है। तो चलिए आप लोगों को कंप्यूटर सेक्शन दिखाते हैं कैसा है। एक कंप्यूटर सेक्शन है जो कि इसमें KYP कराया जा रहा है और सभी बच्चे KYP कर रहे हैं अभी। और आप लोग को ऑटो कैड लैब देखने को मिल जाएगा जो कि सिविल ब्रांच के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा से प्रैक्टिकल होता है। और ये कॉलेज की लाइब्रेरी है जो कि सभी पुस्तकें यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। ये कॉलेज का नोटिस बोर्ड है, जो भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन कॉलेज से सबसे पहले यहाँ पे मिलता है, तो टीबोर्ड लगा हुआ है जहाँ। और कॉलेज में आप लोग को ORO का पानी मिल जाएगा जो कि नॉर्मल और हल्का। और इसमें पहले क्या होता है कि बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज चलता था, तो अभी क्या है कि खाली हो गया था, वो लोग चले गए, उनका कॉलेज बन गया था। तो अभी जहानाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज जो कि उनका कॉलेज नहीं है,
तो अभी यहीं पे चलता है। से है और चलिए और कुछ दिखाते हैं आप लोगों को। और अभी क्या हुआ, काफ़ी एग्ज़ाम चल रहा है तो थोड़ा कुछ लैब बंद था तो उसका शूट नहीं कर पाए। और आप लोग, हमारे कॉलेज का एंट्री थ्री गेट से है, तो आप लोग तीन गेट से एंट्री होता है, तो वन गेट एक गेट इधर से है जो कि आप लोग देख सकते हैं, जो कि साईं मंदिर तक निकलता है। सकते हैं कैफेटेरिया भी है जहाँ आप लोगों को सभी सामान मिल सकता है लंच का टाइम, लेकिन अभी किसी कारणवश बंद है। और एक कॉलेज के सामने ग्राउंड आप लोग को मिल जाएगा जो कि वॉलीबॉल खेलने के लिए बनाया गया है, और हम लोग भी इसी में खेलते हैं। जब भी लंच होता है, जब भी क्लास का इंटरवल आता है, नहीं होता है क्लास तो इसी में खेलते हैं। इस साइड भी वॉलीबॉल खेलने के लिए बनाया गया और बैडमिंटन, और आप लोग यहाँ देख सकते हैं डस्टबिन है जो कि आप लोग स्वच्छ भारत का अभियान में सहायता करें, और जो भी आप लोगों को बहुत तेज से देखने को मिल जाएगा। तो यही कुछ था हमारे कॉलेज में। अगर जो भी आप लोगों को डाउट लगता है जो अभी हमारे कॉलेज से रिलेटेड, तो बहुत ही लोग पूछते हैं कि कॉलेज में हॉस्टल है, तो हमारे कॉलेज में हॉस्टल भी है और उसका भी वीडियो किसी दिन बना देंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।